गुड इवनिंग क्लास थ्री, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फिट फाइन हेल्दी एट होम। डे चिल्ड्रन, लास्ट क्लास में मैंने आपको वीडियोस और पीडीएफ भेजी थी। आई होप यू हैव सीन दैट वीडियोस एंड पीडीएफ। नाउ चिल्ड्रन, आई विल एक्सप्लेन ऑल द चैप्टर वन बाय वन। जो हमारा सेकंड चैप्टर है दैट इज कंप्यूटर हार्डवेयर। यू नो हार्डवेयर, हार्डवेयर हम लोग उस पार्ट को बोलते हैं जिसको आप टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। जैसे आप कंप्यूटर वर्ड यूज करते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? एक पिक्चर बनती है माइंड में, कंप्यूटर कैसा होता है ना। तो पिक्चर बनती है तो सबसे पहले आपको क्या दिखता है? आपको दिखता है कि एक मॉनिटर, एक कीबोर्ड, एक माउस, एक सिस्टम यूनिट है ना, एक प्रिंटर। तो ये सारे के सारे क्या हैं? आपके हार्डवेयर हैं। आपकी बुक में क्या डेफिनेशन लिखी हुई है? लेट्स रीड। ऑल द फिजिकल इक्विपमेंट्स दैट आर अटैच्ड टू अ कंप्यूटर आर कलेक्टिवली कॉल्ड हार्डवेयर। हार्डवेयर इज द पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर विच यू कैन टच एंड फील। कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस, स्पीकर एंड मॉनिटर फॉल इन द कैटेगरी ऑफ हार्डवेयर। ओके चिल्ड्रन, समझ में आपको? नाउ, अब हम लोग जो हार्डवेयर हमारा था उसको हम लोग अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। अभी जैसे मैंने हार्डवेयर की बात करी, आपने प्रिंटर भी देखा, मॉनिटर भी, कीबोर्ड, माउस है ना, सिस्टम यूनिट। तो अब इनमें से कौन सा हार्डवेयर क्या काम करेगा उसकी वर्किंग के हिसाब से हमने इनको कैटेगराइज किया हुआ। चिल्ड्रन, यू रिमेम्बर इन लास्ट चैप्टर वी स्टडीड अबाउट वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर। हाउ डज अ कंप्यूटर वर्क? कंप्यूटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। सम ऑफ डिवाइसेस आर इनपुट डिवाइसेस, सम ऑफ देम आर आउटपुट डिवाइसेस, एंड सम ऑफ डिवाइसेस आर यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग, एंड सम डिवाइसेस आर यूज्ड फॉर स्टोर डेटा। ओके, नाउ लेट वी स्टार्ट फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस। व्हाट आर द इनपुट डिवाइसेस? इनपुट डिवाइसेस आर दो डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू फीड डेटा इनटू कंप्यूटर। कि जिन डिवाइसेस से हम लोग कंप्यूटर में डेटा फीड करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइसेस। अब आप कंप्यूटर में डेटा कैसे फीड करते हैं? आपने अगर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना है तो आप कीबोर्ड या माउस का यूज करेंगे, बिल्कुल अभी जो आपका सिस्टम अवेलेबल है उस पर। यस डियर चिल्ड्रन, तो इस तरह से आपको समझ में आया कि इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं। नाउ, अब हमारी बुक में कुछ इनपुट डिवाइसेस लिख रखे हैं, हम लोग उनको वन बाय वन रीड करते हैं। सबसे पहले इनपुट डिवाइस लिखी है कीबोर्ड। अ कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस दैट इज यूज्ड टू एंटर डेटा इनटू अ कंप्यूटर। देयर आर मेनी बटन्स ऑन इट कॉल्ड कीज। दीज कीज आर प्रेस्ड टू एंटर डेटा इनटू कंप्यूटर। द कीज ऑफ अ डेस्कटॉप कंप्यूटर टिपिकली हैज 101 टू 105 कीज। समझ आया बेटे? कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस विच इज यूज्ड टू फीड डेटा इनटू कंप्यूटर। और कीबोर्ड से आप क्या करते हैं? अगर आपको कीबोर्ड पे आपको पता है डिफरेंट टाइप्स की कीज होती हैं, आप अल्फाबेट में इनपुट दे सकते हैं, यू कैन गिव इनपुट इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स ऑल्सो। कीबोर्ड पे कुछ स्पेशल कीज होती हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे जो इनपुट डिवाइस है वो है माउस। अ माउस इज एन इनपुट डिवाइस दैट फिट्स कंफर्टेबली अंडर द पाम ऑफ योर हैंड। इट इज यूज्ड टू ड्रॉ पिक्चर्स एंड सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। द टॉप ऑफ माउस हैज टू बटन्स एंड वन व्हील। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पॉइंटिंग डिवाइस। कि माउस को क्या बोलते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस। ये देखिए, मैं माउस उठा रहा हूँ, ये मेरा माउस देख रहा है। दिस इज वायरलेस माउस, ये वायरलेस माउस है। अगर यहाँ पे वायर लगी होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वायर्ड माउस। देखिए बेटे, टॉप पे टू बटन बने हुए हैं इसके, ये इसका व्हील है। ओके, माउस का यूज क्यों करते हैं? दो की है, लेफ्ट एंड राइट बटन। लेफ्ट बटन के अलग काम है, राइट बटन के अलग काम होते हैं बेटे। मोस्टली काम क्या है? टू सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट। जब आपको कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना होता है तो आप क्या करते हैं? माउस से क्लिक करते हैं।